चलो दोस्तों शुरू करते हैं बोया BYMM की अनबॉक्सिंग। ये देखिए इस बॉक्स में BYMM1 आता है। इस तरह का कुछ बॉक्स रहता है, पीछे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। डिस्क्रिप्शन में देखिए देखिए यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो चाहिए हो आप देख सकते हैं। आउटपुट इंडिपेंडेंस को मतलब बटन कैसे कितनी है सब है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है सब। ठीक है अभी अपन अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स में क्या मिलता है देखते। एक पाउच मिला है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का पाउच है ये। देखिए बोया लिखा हुआ है इसमें, अच्छा है। और क्या मिलता है बॉक्स में, ये वारंटी कार्ड मिलता है और मैनुअल। बॉक्स पर रख देते साइड। और एक पाउच में क्या है देखते हैं। पाउच की क्वालिटी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। पाउच में आपको ये मिल रहा है DSLR कैमरा के लिए, लेकिन के लिए कुछ वो अभी अपने यूज का नहीं है, इसको हम साइड में रखते हैं। और साथ में आपको देखिए 20 फीट लंबी वायर मिल रही है। ये वायर बहुत बड़ी है, 20 फीट है। एक कंडेंसर है, बैटरी कंडेंसर जिसमें बैटरी अटैच की जाती है। ये वॉइस फिल्टर है, माइक है और मेटल की कॉलर फिल्टर लग कॉलर पे अटैच कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए आपको देखा कैमरा। आप नीचे करेंगे तो ऑफ, ऊपर करेंगे तो ऑन हो जाएगा, इससे आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। ठीक है तो ऑफ कर देते हैं। और इसके अंदर बैटरी अटैच हो जाती है। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह बैटरी अटैच होती है। ये देखिए ये बैटरी है, बैटरी यहाँ पे एक रिबन दे दी जाती है और रिबन अंदर डाल के बैटरी बाद में अंदर पुश करने के लिए ऊपर स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग के नीचे इसको अटैच करना रहता है। अगर आप रिबिन को बाहर थोड़ा बाहर रखना चाहिए क्योंकि निकालते टाइम पे आसानी से बैटरी बाहर आ सके, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं तो बैटरी अटैच करना एक इरिटिंग जॉब पे बहुत टाइम लगता है उसको बैटरी अंदर पुश करने के लिए, तो थोड़ा वो इरिटेटिंग है। तो बाकी सब कुछ में बहुत बढ़िया है, पर क्वालिटी सब पूरा मेटल है। ये मेटल है पूरा, देख सकते हैं आप ये मेटल का बनाया हुआ है, अच्छी क्वालिटी है। इतने प्राइस में ये 3.5 mm का जैक है। खाली इसमें एक ही है कि इतनी लंबी वायर रहने के कारण थोड़ा संभालने को मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप अगर आउटडोर शूटिंग करते हैं तो इसके लिए बहुत बढ़िया काम में आती है। देख लिया आपने बॉक्स का अनबॉक्सिंग क्या क्या है इसमें है, और इसकी आवाज़ भी अपन टेस्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में, देखते हैं इसमें आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरा ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन सुना होगा वो बोया के माइक से रहेगा। तो चलो दोस्तों बोया के माइक से देखते हैं। जो आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया माइक BYMM1 से सुन रहे हैं। आपका आवाज कैसी आ रही है आप जरूर कमेंट करके लिखिए। बोया आवाज और हेडफोन में क्या डिफरेंस है आप मुझे बताइए। मेरे को तो बोया फोन की आवाज बहुत अच्छी लगती है, ये विदाउट एडिटिंग की हुई आवाज है। उसके बाद में आपको एडिट की हुई आवाज भी सुनाऊंगा। थैंक यू।